₹6 चेंज नहीं लौटाने पर रेलवे टिकट बुकिंग क्लर्क को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। कई जगहों पर सामान खरीदने या ऑटो टैक्सी का किराया देने पर छुट्टे पैसे की समस्या आती है। कई बार ग्राहक या विक्रेता में से कोई एक अपने पैसे छोड़ देता है और ये सब सामान्य तौर पर चलता है, लेकिन ऐसा एक मामला रेलवे के टिकट बुकिंग क्लर्क के साथ हुआ। यह मामला ऐसा हो गया कि सिर्फ ₹6 के लिए इस टिकट क्लर्क की नौकरी चली गई। टिकट बुकिंग क्लर्क ने टिकट बुकिंग के लिए दिए गए पैसों में से ₹6 छुट्टे नहीं लौटाए थे। यह पूरा मामला मुंबई का है। यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा है और हाईकोर्ट ने नौकरी से निकाले गए शख्स को राहत देने से इनकार किया। हाईकोर्ट का मानना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि क्लर्क ने यह दर्शाया हो कि उसकी मंशा ₹6 लौटाने की होगी। क्लर्क पर लगे आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित किया गया है। ऐसे में राहत नहीं दी जा सकती, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का मानना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लर्क की याचिका खारिज करते हुए अप्रैल 2004 के आदेश को कायम रखा है और नौकरी से निकाल दिया है।